India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट राउंडअप। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट राउंडअप। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में प्रशासन की ओर से किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन न लिए जाने पर चिंता जाहिर की है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर एक्शन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना सही नहीं। कोर्ट ने कई राज्यों में प्रशासन की ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने विभिन्न राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता है क्योंकि वह आरोपी है? अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के तबाह नहीं किया जा सकता। याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जस्टिस के वी विश्वनाथन ने कहा कि किसी को भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पिता का बेटा अड़ियल या आज्ञा न मानने वाला हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिराया जाता है तो यह तरीका नहीं है। पीठ ने मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करते हुए कहा, हमें इस मुद्दे को अखिल भारतीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कोर्ट ने पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने को कहा, जिन पर अखिल भारतीय दिशा निर्देश तैयार करने के लिए न्यायालय द्वारा विचार किया जा सके। प्रस्ताव सीनियर एडवोकेट नचिकेता जोशी को सौंपे जाने हैं, जिन्हें उन्हें एकत्रित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से सजा के तौर पर घर गिराने के बारे में चिंता व्यक्त की। जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायालय अनधिकृत निर्माणों की रक्षा नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिशा निर्देश आवश्यक हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायालय अनधिकृत निर्माणों की रक्षा नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिशा निर्देश आवश्यक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य का रुख उसके हलफनामे से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसे ध्वस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूपी सरकार के खिलाफ दायर याचिका में उल्लिखित मामलों में उल्लंघन के लिए व्यक्तियों को नोटिस भेजे गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए नगर निगम कानूनों में प्रक्रिया का पालन करते हुए अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि अप्रैल 2022 में दंगों के तुरंत बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में कई लोगों के घरों को इस आरोप में ध्वस्त कर दिया गया कि उन्होंने दंगे भड़काए थे। सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह ने उदयपुर के मामले का हवाला दिया, जहां व्यक्ति का घर इसलिए ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि किराएदार के बेटे पर अपराध का आरोप था। मामले से अलग होने से पहले न्यायालय ने भारतीय महिला राष्ट्रीय महासंघ द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को भी अनुमति दे दी। सितंबर 2023 में जब मामले की सुनवाई हुई तो सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी लोगों के घरों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि न्यायालय को ध्वस्त किए घरों के पुनर्निर्माण का आदेश देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि नायर करीब 23 महीने से हिरासत में हैं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा है कि अगर याचिकाकर्ता बिना सुनवाई के हिरासत में रहता है तो नियम के तौर पर जमानत और अपवाद के तौर पर जेल का सिद्धांत विफल हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ईडी अदालत को दिए गए आश्वासन के बावजूद समय पर सुनवाई पूरी नहीं कर पाई और
कर रहा है। ऐसे में करीब 350 गवाहों से पूछताछ करनी है। जस्टिस रॉय ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और इसका सम्मान उन मामलों में भी किया जाना चाहिए जहां पर कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। याचिकाकर्ता 23 महीने से हिरासत में है और विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में है। सुनवाई शुरू किए बिना सजा का कोई तरीका नहीं हो सकता। जमानत नियम है और जेल अपवाद, ये सार्वभौमिक प्रस्ताव पूरी तरह से विफल हो जाएगा यदि याचिकाकर्ता को इतने लंबे समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में रखा जाता है, जबकि दोष सिद्धि की स्थिति में सजा अधिकतम 7 वर्ष की हो सकती है। हमारा ये मानना है कि याचिकाकर्ता जमानत का हकदार है और इस आदेश में दी गई शर्तों पर जमानत दी जाती है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाते हुए इस फैसले को बरकरार रखा है। नायर के लिए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि चूंकि सह आरोपी मनीष सिसोदिया और के कविता को जमानत मिल गई है और नायर की स्थिति उनसे बेहतर है क्योंकि उन्हें पहले ही इस अपराध में जमानत मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि नायर 23 महीने से जेल में बंद है और PML एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत उनके खिलाफ आरोपों के लिए अधिकतम संभव सजा 7 साल है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने PML एक्ट की धारा 45 के तहत सीमा का हवाला दिया जो ऐसे मामले में जमानत देने के लिए कड़ी शर्तें लगाता है। नायब सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी वैभव कुमार की जमानत मामले में सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वैभव कुमार को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वैभव को जमानत देते हुए कहा है कि जमानत का केस की मैरिट पर कोई असर नहीं होगा और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वह गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे और अगर ऐसा किया जाता है तो इस जमानत का दुरुपयोग होगा और इसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच कहा है कि आरोपी 100 दिन से जेल में है और 2 साधारण खरोंच के निशान थे। आरोप पत्र दाखिल किया गया, ऐसे में मामले के अंदर आप किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते, ऐसे में आरोपी बेल का हकदार है। एजेंसी को जब जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए और बता दें आपको जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि आपके गवाह शायद वही है जहां पर यह घटना हुई है और हम इसका ध्यान रखेंगे। इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश ASG SV राजू ने कहा है कि CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की गई है, अदालत को घटना पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला सांसद से इस तरह की मारपीट की गई है और ये गंभीर मामला है। दरअसल कथित मारपीट के मामले में 18 मई को गिरफ्तार विभव की जमानत की मांग की निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। आपको बता दें कि SV राजू ने कहा है कि विभव के मालीवाल के घर या फिर घटनास्थल पर जाने से कोर्ट रोक लगाए। इस पर कोर्ट ने कहा है कि शर्त होगी जिनके मुताबिक विभव कुमार मुख्यमंत्री ऑफिस और उनके आवास नहीं जाएंगे, केस के बारे में कोई बयान नहीं देगा, विभव को कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा और आम आदमी पार्टी भी इस केस के मैरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। हालांकि जमानत की शर्तों पर कोर्ट ने बता दें आपको कि जमानत की शर्तों पर कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने विभव को जमानत देते हुए कहा है कि इस जमानत का केस की मैरिट पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वह गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास नहीं करेंगे और अगर ऐसा किया जाता है तो इस जमानत का दुरुपयोग होगा और इसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी। ASG SV राजू ने कहा है कि विभव के मालीवाल के घर या फिर घटनास्थल पर जाने से कोई रोक लगाए। इस पर कोर्ट ने कहा है कि शर्तें होगी जिनके मुताबिक विभव कुमार मुख्यमंत्री ऑफिस और उनके आवास नहीं जाएंगे, केस के बारे में कोई बयान नहीं देगा, विभव को कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा और आम आदमी पार्टी भी इस केस के मैरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। बता दें आपको कि विभव के वकील सिंघवी ने विभव के CM ऑफिस या घर जाने पर रोक न लगाए और वो कोई सरकारी पद पर भी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि हमने सिर्फ 3 महीने को रोक लगाई है ताकि इस अवधि में संवेदनशील गवाहों की गवाही और जांच पूरी हो जाए, क्योंकि हमने निचली अदालत से गवाह कहा है कि वह गवाहों के बयान 3 महीने के अंदर दर्ज कर लें। हालांकि जमानत की शर्तों पर कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी।
शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए कमेटी बनाई है। एक साथ एक ही कमेटी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को एक सप्ताह के भीतर पहली बैठक बुलाने का निर्देश भी दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कोर्ट में हुई है। किसानों का प्रदर्शन फरवरी से ही जारी है। इस समिति की अध्यक्षता पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नवाब सिंह करेंगे। खंडपीठ ने कहा है कि निर्देश दिया है एक अध्यक्ष बैठकों का समन्वय करने और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य सचिव की नियुक्ति करेंगे। दो पंजाब और हरियाणा राज्य के साथ बैठक बुलाकर मुद्दों को तैयार करना जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने शंभू बॉर्डर पर नाकाबंदी हटाने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा राज्य द्वारा दायर याचिकाओं पर एक आदेश भी पारित किया है। खंडपीठ ने समिति से आग्रह किया है कि वह आंदोलनकारी किसानों से संपर्क करे और उनसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर शंभू बॉर्डर से अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां आदि हटाने का अनुरोध करें और ताकि जो आम जनता को राहत भी मिल सके। प्रदर्शनकारियों को अपने आंदोलन को पदाधिकारियों द्वारा पहचाने गए वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता है। खंडपीठ ने किसानों को राजनीतिक दलों से दूर रहने की चेतावनी दी है और कहा है कि किसानों के विरोध का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने कहा है कि दोनों राज्यों में कृषि समुदाय की एक बड़ी आबादी है जो कि हाशिए पर पड़े समुदाय से संबंधित है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और सहानुभूति के हकदार भी है। इसीलिए खंडपीठ ने कहा है कि उसे लगा कि उनके मुद्दों पर विचार करने के लिए एक तटस्थ समिति गठित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल में बलात्कार हत्या के विरोध में स्टूडेंट लीडर सायना हरिडी, बता दें आपको कि लहिड़ी को दी गई जमानत के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की चुनौती खारिज की है। जस्टिस जेबी पार्थीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ पश्चिम बंगाल की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सायन लाहिड़ी को रिहा करने का निर्देश दिया गया। सायन लाहिड़ी पश्चिम बंगाल छात्र संघ के गठित नेता हैं और ये संगठन नबन्ना में राज्य सचिवालय की और विरोध प्रदर्शन और मार्च का आह्वान करता है। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने का दावा किया गया लेकिन व्यापक हिंसा हुई जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों दोनों को गंभीर चोट आई है। पश्चिम बंगाल राज्य ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन रैली का आयोजन लाहिड़ी सहित तीन व्यक्ति द्वारा किया गया। कोर्ट को बताया गया कि लाहिड़ी के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने, दंगा करने और जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराधों से संबंधित 11 FIR दर्ज है। जब पीठ ने पूछा कि कौन कौन गंभीर रूप से घायल हुआ और वकील ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर तैनात 41 पुलिस अधिकारियों को चोटें आई हैं। जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि लाहिड़ी को आरोपों के तहत क्यों रखा गया और उन्होंने आगे कहा कि ये जमानत का मामला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रथम दृष्टया विचारणीय एकमात्र बिंदु ये है कि मां द्वारा दायर रिट याचिका में ये राहत दी जा सकती है या नहीं, यही संक्षिप्त बिंदु है। लाहिड़ी की मां ने उनके खिलाफ FIR रद्द करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का रुख किया। जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के समक्ष राज्य के लिए आदर्श दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि वह इस बात पर आपत्ति उठाए कि प्रत्येक FIR रद्द करने के लिए धारा 428 CRPC के तहत अलग अलग याचिका क्यों नहीं दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने दो न्यायाधीशों द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने केरल उच्च न्यायालय कॉलेजियम के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति को नजरअंदाज किया गया था। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति SBN फुट्टे की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वे कॉलेजियम के निर्णय के विरुद्ध कानूनी सहायता कैसे ले सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि किस प्रकार की याचिका है, एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी पर उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है और आप इस न्यायालय के समक्ष आएंगे, ये किस प्रकार की याचिका है।
याचिकाकर्ता सदालवी पीपी और केटी निसार अहमद ने न्यायालय में ये तर्क देते हुए याचिका दायर की। केरल उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए विचार नहीं किया, जबकि वे एकमात्र योग्य उम्मीदवार थे। इसके बजाय कॉलेजियम ने अपनी सूची में अयोग्य व्यक्तियों को शामिल किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णन वेणुगोपाल ने कहा है कि शिकायत ये है कि हम केवल दो न्यायिक अधिकारी हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए रिक्त पद के लिए पात्र हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि न्यायालय ने पहले भी इस प्रकार का मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने उस मामले को वर्तमान मामले से अलग करते हुए कहा कि आपने एक ऐसे मामले का हवाला दिया जिसमें इस न्यायालय के कॉलेजियम के उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को नामों की पुनरावृत्ति की थी और हमने उस परिदृश्य में नोटिस जारी किया था और कुछ नहीं, आपको इसे वापस ले लेना चाहिए और हम आपको इसके अलावा कोई रास्ता अन्य नहीं देंगे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 जो किसी व्यक्ति की तलाशी लेने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है केवल व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होती है, ना कि तलाशी लिए जा रहे व्यक्ति द्वारा ले जाए जा रहे बैग की तलाशी पर। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने नारकोटिक्स मामले में एक आरोपी को बरी करने वाले केरल हाईकोर्ट के 23 मई 2023 के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बहाल करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा बरी किया जाना एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनुपालन के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है। धारा 50 एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करती है। जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी चाहिए उसे निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का अधिकार है। अगर यदि अनुरोध किया जाता है तो अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाए गए व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है। राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को छोड़ सकता है यदि उसे तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं दिखता है। अभियोजन पक्ष का मामला ये भी था कि 10 जनवरी 2019 को गश्त के दौरान एक आबकारी निरीक्षक ने प्रतिवादी को करीब 2 किलोग्राम गांजा से भरे बैग के साथ पाया। खोज के बाद प्रतिवादी पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को दोषी करार देते हुए निष्कर्ष निकाला कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 जो तलाशी और जब्ती के दौरान कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाती है लागू नहीं होती है, क्योंकि प्रतिबंधित पदार्थ प्रतिवादी के शरीर पर सीधे नहीं बल्कि एक बैग में पाया गया था। फिर प्रतिवादी को 5 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथ ही जुर्माना अदा करने और ना करने की स्थिति में 6 महीने के अतिरिक्त कैद की सजा भी दी गई। प्रतिवादी के दोषी सिद्धि के खिलाफ अपील पर केरल हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया और हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन न करने के कारण तलाशी और जब्ती अवैध थी, इसीलिए केरल राज्य ने बरी किए जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान अपील दायर की। केरल राज्य ने तर्क दिया कि धारा 50 की हाईकोर्ट की व्याख्या त्रुटिपूर्ण थी और धारा 50 की अनिवार्य प्रक्रिया लागू नहीं होती, क्योंकि प्रतिबंधित पदार्थ प्रतिवादी के शरीर पर सीधे नहीं बल्कि उसके बैग में पाया गया था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।